Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार सलमान खान की न्यू मूवी जिसका नाम है दबंग 3। इस मूवी के स्क्रीन काउंट के बारे में, बजट के बारे में मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा कि स्क्रीन इस मूवी को कितने मिलने वाली है और फर्स्ट डे का इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में कितना कलेक्शन होने वाला है और साथ ही साथ क्या ये मूवी हिट होगी, क्या मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स अभी बॉक्स ऑफिस में मिल रहा है या नहीं। तो पहले तो मैं बता दूं कि दबंग 3 अभी जितनी भी इस मूवी की प्रमोशंस चल रही है वो बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, सब जगह में यानी कि इंडिया में, अगर आप मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में देखें, सलमान खान हर एक सिटी में जाके इस मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है और इस मूवी को रिस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा मिल रहा है। सेकेंड बात यह है कि क्या इस मूवी को स्क्रीन काउंट अच्छे खासे मिल रहे हैं या फिर कम स्क्रीन्स पे यह मूवी रिलीज़ हो रही है, क्योंकि तमिल में दो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है जो क्लैश होनी है दबंग 3 के साथ, तेलुगू में भी दो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है जो कि क्लैश हो रही है दबंग मूवी के साथ। अब बचा कन्नड़ और हिंदी, तो वहाँ पे क्या इस मूवी को लेकर के खबरें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए दबंग 3 में सलमान खान का नाम ही काफ़ी है और ऊपर से इस मूवी में किच्चा सुदीप भी है जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार हैं। तो अगर बात करूँ इस मूवी को स्टारडम की, इस मूवी को, मूवी के क्रेज़ की, तो उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए हिंदी में ये मूवी चलेगी, कन्नड़ में भी कहीं ना कहीं ये मूवी चलेगी। अब मैं आपको बता दूँ जितनी अभी तक रिपोर्ट्स पता चली है, अभी मैं इसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से दबंग 3 मूवी को सिर्फ हिंदी ही हिंदी में, जी हाँ सो, तो हिंदी ही हिंदी में जो स्क्रीन काउंट मिलने वाला है वो है 3500 से लेकर के 4000 के आसपास का स्क्रीन काउंट। और ये भी कहा जा रहा है कि जब इसके स्क्रीन इसे तेलुगू में, तमिल में और कन्नड़ में, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि जब जहाँ जहाँ ये तेलुगू में रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ ये कन्नड़ में रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ ये तमिल में रिलीज़ हो रही है, अगर उन सभी को, सभी की स्क्रीन काउंट को भी मिला दे तो कहा जा रहा है कि ये जो मूवी है ये सलमान खान की अभी तक की सबसे बड़ी रिलीज़ होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, वो मैंने आपको बता दी। पहली बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया जा रहा है लगभग 3500 से 4000 स्क्रीन्स पे। अभी फाइनल रिपोर्ट्स आनी बाकी है, आप बने रहें, फाइनल रिपोर्ट्स मैं आपको ज़रूर दूंगा। और साथ में ये भी खबरें आ रही है कि अगर आप हिंदी, तमिल और तेलुगू और कन्नड़ को, अगर इन सभी लैंग्वेजेस को मिला दें तो कहा जा रहा है कि ये सलमान खान के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी रिलीज़ होने वाली है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं ये कितना सच होता है, क्या सच में ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी मूवी बन के सामने आती है या नहीं। वैसे अभी तक जितनी मैंने आपको न्यूज़ बताई, आप 70% तो श्योर रखें कि ये जो मूवी है ये सलमान खान की अभी तक के करियर की सबसे बड़ी रिलीज़ होने वाली है। अच्छा, अब चलते हैं इस मूवी के कलेक्शन की तरफ। जैसा मैंने आपको कल भी कहा था और इससे पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर मैं मूवी के कलेक्शन की बात करूँ तो सुपरस्टार सलमान खान की मूवी दबंग 3 फर्स्ट डे में इंडिया में 35+ करोड़ का कलेक्शन करेगी। और अगर रेशो यानी बुक माई शो पर अगर जिस तरह से आप क्रेज़ देख रहे हैं, अगर वो और भी इंक्रीज़ होता है, एडवांस बुकिंग और भी ज़्यादा होती है, तो ये जो है 40 करोड़ तक भी जा सकता है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का फर्स्ट डे का 50 करोड़+ होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। और मैं इतना आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फर्स्ट डे में सलमान खान की मूवी दबंग 3 का कलेक्शन 50 करोड़+ होने वाला है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में ग्रॉस कलेक्शन। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये 30 करोड़ से 40 करोड़ का इंडिया में करेगी और 40 से 45 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मूवी 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन पहले दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में करने वाली है। अब आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, सुपरस्टार सलमान खान की मूवी दबंग 3 के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।